हमारे इस ब्रेकफास्ट टेबल का एक भी कोना खाली नहीं है और इतना लेविश ब्रेकफास्ट स्प्रेड मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब देख के ये देख के नियत खराब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लगता है दुबई आपको? दुबई इट्स अ होम फॉर मी। आई मीन इट्स बीन 17 इयर्स ओवर हियर। मतलब इट्स सेकंड होम यू कैन से दैट, बट या इट्स फील वेरी सेफ, इट्स फील वेरी होमली ओवर हियर। हाउ आर यू, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टिल नाउ? मैंने तो सब चकाचौंध है। हां नहीं, चकाचौंध भी है, बट एट द सेम टाइम व्हेन यू विल मीट द पीपल यू विल सी द वार्मथ। अरे तो धुआं धुआं कर दिया ना ये इंस्टाग्राम वाली कॉफी है। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी ऑरेंज दिस डेट्स विद टाहिनिया चॉकलेट लॉट्स मिक्स ऑलिव दिस क्रीम चीज कैप्सिकम एंड साइड चीज आल्सो दिस ऑलिव आल्सो बटर दिस ज़ातर मुहम्मरा सुजुक विद एग दिस मिनिमन egg with tomato, this mixed cheese, smoked cheese, goat cheese, tobi cheese, beta cheese, this cheese with parsley. Okay? This majdoula, name majdoula, near halloumi. Honey with the cream, this delicious with simit. This subrik inside cheese also, but delicious. Halloumi, halloumi with milk. And that basket? This mixed bread, this Turkish bread, this lavash. Lavash? Yeah. This is what we ordered, especially. Okay. New items. Today's start, really. First day? Yes. This is Sultan. This Sultan Minimum. Okay. Sultan? Minimum. This Minimum. Okay. This one is special. Lucky hai, Kaliji. This, they have added to the menu today. So we are the first customers who are having this. हमारे इस ब्रेकफास्ट टेबल का एक भी कोना खाली नहीं है और इतना लेविश ब्रेकफास्ट स्प्रेड मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो ये टर्किश ब्रेकफास्ट है। हाँ तो जर्नी को बात करना है तो स्टार्ट करें चीज़ से। चलिए शुरू करते हैं। तोबे चीज़, फेटा चीज़, स्मोक चीज़, गोट चीज़, चीज़ विद पार्सले, मजदूला, हलूमी चीज़ विद मिल्क। ये तोबे चीज़ से शुरू करते हैं। पनीर वाली मैं भी बोल रहा था, अपना कॉटेज चीज़ लग रहा है, पनीर वैसा फ्लेवर है इसमें, लेकिन जो अनियन सीड्स है, नाइजर सीड्स है, उसका अच्छा फ्लेवर है। हाँ, एक हर्दी फ्लेवर है। सही, गुड, सॉफ्ट है, क्रम्बली है। ये अब लेते हैं हलूमी। ये भी पनीर की तरह लग रहा है। हल्का सा सॉल्टीनेस है, तो इसको क्या उसमें रखते हैं, ब्राइन? मतलब नहीं, all cheese here, but generally are wet, most of the cheese here. Apart from feta and all, feta is not wet. Baki cheese are wet, most of the cheese are wet. You know, brine solution is difficult to get. तो ये कहते हैं कि जो हलूमी चीज़ है और जो अपना कॉटेज चीज़ है उसमें फ़र्क सिर्फ एसिडिटी का होता है कि एक हाई एसिडिक है, एक लो एसिडिक है।
और ये रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही रहता है, तो इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं, इसको आप किसी के साथ खा भी सकते, ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं, तो वैसा ही रहता है इसका शेप। सॉरनेस है ये टर्किश कॉफ़ी है, तो इस पर भी वो हम कहते हैं ना कॉफ़ी अरेबिका रोबस्टा। टर्किश कॉफी क्या है, इट्स अ वेरी ग्राउंडेड पाउडर और ये लोग बनाते हैं सैंड में, सैंड बहुत दिन यूज करते हैं, टू बिटर दैट्स द रीजन दिस वी हैव दिस, साथ में चॉकलेट इस बॉटल आल्सो कुछ ना होगा ना, पहले टाइम का बहुत बिटर हो जाएगा तो पानी से देते, मेरे पहले बार पूछा था पानी क्यों देते हो, बिटर हो जाता पुश दैट डाउन, कॉफ़ी के बाद पानी डाउन और पानी के बाद चीज स्मोक चीज। स्मोक चीज खत्म है, oh wow you will some feel something we need the action of yours, this taste I like this for me, maybe you don't like sweet but me this no taste. I have a sweet tooth yeah ye feta cheese hai ye halka isme sourness hai but mild hai फेटा चीज़ जल्दी यहाँ पे आपको मैक्सिमम कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट में विद द सैलेड दे सर्व यू फेटा चीज़ मजदूला ये थोड़ा स्ट्रेची शिवी है या मजदूला और इनफैक्ट स्वीट भी है। चलिए चीज़ की टेस्टिंग होगी, ब्रेड की टेस्टिंग होगी, अब ब्रेड्स को अलग अलग जो डिप्स है उसके साथ खाया जाए, किसके साथ शुरू करें इसको? मैं बताता हूँ, आप सबसे पहले इसको ना ऑलिव ऑयल में डिप कीजिए, ऑलिव ऑयल में पुट इट इन दिस ज़ातर में अच्छी तरह। तो ज़ातर में क्या क्या मिक्स किया है? ज़ातर इज़ अ हर्ब, ज़ातर इज़ अ प्लांट, तो आते उसको हर्ब बनाते हैं, हाउ इज़ इट थोड़ा सा खट्टा भी होगा है ना, जो ये ज़ातर है इसका जो फ्लेवर है वो हर्बल है, स्वीट है और अर्दी है। इस ब्रेड से मोमरा टाइप, इस ब्रेड से ऊपर में सफ़ेद तिल और कलौंजी है, ये नान की तरह लग रहा है। ये क्या होता है मोमरा? हम उस होते हैं जैसे गार्लिक क्रीम What cheese is it? Which one? What cheese is there? Feta cheese. Feta cheese. Black olive powder is a bitter one. Feta cheese gives you the sourness. तो इसको ऑलिव को ही ऑलिव ऑयल में डिप किया हुआ है, अंदर स्टफिंग फेटा चीज की गई है, अच्छा टैंगीनेस है इसमें। बट ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे वैरायटी ऑफ ऑलिव्स लाइक क्रेजी एंड दे ईट ऑलिव ऑयल वेरी हेल्दी, रॉ इज बहुत खाते हैं। इनफैक्ट एनी अरबिक रेस्टोरेंट यू गो और अरब एक्सपर्ट रेस्टोरेंट मतलब जॉर्डेनियन हो गया, सीरियन, लेबनीज, आपको ऑलिव जरूर मिलेगा कॉम्पन खाने के लिए। टाइनी विद डेट सिरप है। अच्छा वाह, तो इस पे टमाटर की एक लेयर है, साथ में बेल पेपर्स हैं और रेड चिली फ्लेक्स हैं
और बॉइल्ड एग है उसको फिर इसको बेक किया है सुल्तान सुल्तान ऊपर में चीज़ भी है चीज है वो तो अंडा कम है इसमें टमाटर ज़्यादा लग रहा है पावर विद टोमेटो हाँ अगर टोमेटो प्योरी खा रहे हैं ज़्यादा है टमाटर तो ओवर पावर कर रहा है अंडे को ये अच्छा है अभी जूसी है और क्रिस्प भी है लास्ट एक वो टेस्ट करते हैं हाँ चीज स्टफ ब्रेड बोथ आर चीज स्टफ एक्चुअली द वन बोथ आर चीज स्टफ इसमें भी चीज है अच्छा ये इतने सारे इसमें लेयर्स हैं ये कब तक बॉडी है ना बना लूँगा हाँ फिश की तरह गुड फूड या लव्ड इट स्पेशली दिस कॉम्बिनेशन आई एम गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ दैट द फूड वॉज रियली गुड आई रियली एंजॉय वेरी हार्टी ब्रेकफास्ट I'm full, but I have to eat more. And I will. This Turkish delight. Turkish delight? Yeah, you know, of course, the Turkish delight, huh? You can open it. You know, we have something similar to this in India. We call it Karachi Halwa. Next time when you're coming here, you can't bring for me. I will bring it for you. Sure, okay. Sure. This chocolate baklava. Chocolate baklava. Yeah. This rice pudding. Rice pudding? Yeah. What is on the top? This orange, the flavor orange. So oh. It's like powdered rice. Sorry? Is it powdered rice? Yeah. This little coarse. Yeah, little coarse. Yeah. Little coarse. Also okay. This jam. This fig. Fig. Yeah, this eggplant. Eggplant, wow. Eggplant? Yeah. This orange. Wow. Wow. This trilachi, this milk cake. And fresh fruit. Wow. Mmm. Jelly ki tarah lag raha hai. Yeah. Mm. Not very sweet. Ah. Kheer and jelly. Kheer and jelly. क्या बात टर्किश डिलाइट कुछ ज़्यादा ही स्टिकी नहीं है स्टिकी च्यूवी और रोज का बहुत अच्छा फ्लेवर है कराची हलवा कोई कोटन हलवा उससे मिलता जुलता है बॉम्बे हलवा बस घी नहीं है इसमें Next. Now the eggplant. Eggplant. बैंगन का है. बैंगन ही है. बैंगन ही है. बैंगन ही है. और एक गुई है. हाँ. Something different. बैंगन का मुरब्बा है. हल्का सा बैंगन का भी सारा. शुगर ज़्यादा है. शुगर ज़्यादा है. Wow. It's truly delectable. बहुत ही सुंदर है बहुत ही उमदा है इसमें क्या घी है कुछ जला हुआ है क्या घी है ना काफी
ये मतलब सही में मिल्क केक है, केक और साथ में मिल्क। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट। यस, कहानी खत्म हुई है तो ये तबाही है, ये सही मायने में तबाही है। सॉफ्ट है ब्रेड। अब ये आपका है, आपका सिग्नेचर साइड में है, सिग्नेचर साइड आ रहा है खाने का। यस, बहुत ही उम्दा। वो अनुभव की कॉम्प्लीमेंट देंगे उसको, महमूद हाँ सिंह को सब वन मोर पीस, इट्स टू गुड। Don't be shy. Have some more. Anubhav ji, ab hum aaye hain the most happening and the oldest beach of Dubai. Isko bolte hain kite beach. वैसे यहाँ पे पतंगे उड़ती थी, अभी नहीं है, बट अब जिस इफ यू कम ऑन अ वीकेंड तो यू एक्चुअली सी पीपल फ्लाइंग दोस बिग काइट्स, जो बीच काइट्स होती है ना वो फ्लाई करते देखेंगे। यू विल फाइंड सर्फिंग, जैसे वो देखेंगे पीछे डिस्टेंस पे आपको नजर आ रहा है, जैसे गाय यू नो ऑन जेट स्की, तो लोग अपनी प्राइवेट जेट स्की भी है और यहाँ पे रेंट पे भी मिलती है जेट स्की, ठीक है, एंड कायकिंग भी देखेंगे आप। सो अगर आप देखोगे ये बीच जो है दिस स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इज अ वॉकिंग ट्रैक। अब देखो इसमें इलास्टिसिटी है, जो वॉक है ना, सो ये 7.5 किलोमीटर की ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो रनिंग भी है वॉकिंग भी है। एंड सिमिलर टू ये देखें, ये रोड बनी हुई है, दिस साइकिलिंग, तो साइकिल ट्रैक है। जुमेरा बीच बहुत लंबा है, मतलब समझ लीजिए ये 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है। यू कैन वॉक, या दुनिया वॉक करती है शाम को, यू नो हेल्थ वन एंड नाइस ब्रीज, यू नो बीच का फील, कूल ब्रीज। तो ये जुमेरा ये देख रहे हैं आप सामने, दिस इज द आइकॉनिक होटल, दिस इज कॉल्ड बुर्ज अल अरब, 7-star होटल है, फर्स्ट 7-star इन द वर्ल्ड। और उसके राइट साइड में देख रहे हैं ऐसा यू करके, दैट्स कॉल्ड स्काई रेस्टोरेंट। सो ग्लास है पूरा एंड ओवर लुकिंग द सी, यू कैन हैव योर लंच डिनर, ऑब्वियसली एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बट दैट्स आइकॉनिक रेस्टोरेंट, स्काई रेस्टोरेंट, एक्स्ट्रावेगेंस, दैट्स द राइट वर्ड। आपके रेस्टोरेंट में जो खाना मिलता है जी, वो कौन सी जगह का खाना है, कौन से रीजन का खाना है? देखेंगे दो कुजीन्स हैं, एक पेशावर की है जिसको शनवारी कहते हैं और एक जो है काबल अफगानिस्तान की, तो दो मिक्स करके हम उसको चला रहे हैं। जो शनवारी में सिर्फ लैम्ब और चिकन होता है, वो सिर्फ सॉल्ट पे, ग्रिल सॉल्ट पे होता है, फिर अंदर कढ़ाई है हमारी, आए आपको कढ़ाई भी देते हैं। ये स्पेशल ये जो मटेरियल है ना, ये आम उसमें नहीं बनती, मतलब आप कोई देश का ले लो, प्रेशर कुकर ले लो, नहीं, ये इसमें बनती, काफ़ी हैवी है ये, और ये ऑर्डर पे हम बनवाते हैं सारी। इसका एक टेस्ट ही अलग आता है, तो अभी आपको बनाते हुए दिखाते भी हैं, शुरू करें जी। लड़ाई कढ़ाई, तो आप पाकिस्तान में कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, वहाँ से गोश्त लेके आए, सीधे गोश्त को फ्राई करेंगे जी। इसको पहले फ्राई करेंगे, ये नमक, इसमें सिर्फ नमक डलता है और टमाटर और ग्रीन चिली, बस दुनिया की और कोई चीज़ नहीं डलती। तो फ्राई में पक जाएगा जी, ये पकते हुए तकरीबन लेगा 40 मिनट। इसका कलर चेंज हो गया, अभी हम टमाटर, फ्रेश टमाटर, टमाटर को काटते नहीं है, बीच में अभी ये क्या होगा, स्टीम में जब इसकी स्टीम लगेगी टमाटर का छिलका निकाल देंगे, छिलका कभी गलता नहीं है, तो अभी आपको दिखाते हैं 10 मिनट के बाद छिलका इजीली निकाल लेंगे। ये अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको फॉर 10 मिनट्स, ये स्टीम में टमाटर अपना छिलका उतारेगा। तो फ्लेम भी आपने कम कर दिया, क्योंकि फ्लेम ज़्यादा होगा पकड़ लेगा गोश्त,
क्या शिनवारी कौन से रीजन की डिश है आपके पाकिस्तान में? ये पेशावर साइड की है, बॉर्डर ये फिर आगे काबुल शुरू हो जाता है अफगानिस्तान, तो इस एरिया में सारा चलते ही है ये। और पेशावर का पानी बड़ा ज़बरदस्त है, वो एक तो गला देता है गोश्त को, उसमें पानी में ताकत भी बड़ी है और हाजमेदार पानी है। आप मतलब ये खाना खा लें वहाँ पे, एक किलो खा लें गोश्त और आप वो कहवा देते हैं आपको, अफगानी कहवा, वो पीते हैं तो एक घंटे बाद आपकी दोबारा भूख लग जाएगी। और उनका खाने का तरीका यही है, प्योर फॉर्म खाते हैं, मतलब आप देख लो अभी इसमें क्या डाला है, सिर्फ नमक डाला, टमाटर और अभी एंड में ग्रीन चिल्ली डालेंगे, कोई मसाले वो भी कस्टमर कहे कि मुझे स्पाइसी चाहिए, मीडियम चाहिए या मुझे ज़ीरो स्पाइस चाहिए, ये समझे घर में खाना पक रहा है आपका, तो पूरा जो मीट का फ्लेवर से वो आएगा, वो आएगा। और आपने सुना होगा घरों में खवातीन बनाती हैं अदरक लहसुन डालते हैं, अगर ये हीक ख़त्म हो इसमें ना आपको हीक आएगी ना, यही मैजिक है इसमें। ये गोश्त बहुत अच्छा है, गोश्त कहाँ से आता है? साउथ अफ्रीकन गोश्त है। लेयर देखें, ये गोश्त है, ये इसके ऊपर सारी चर्बी है, ये चर्बी है, ये देखें ये ठीक है, तो इसी का टेस्ट है ये, तो अपने अपने फैट में अपने जूसेस में पके गए, अपने फैट अपने जूसेस में। ये इसकी लेयर देखें, ये दुम्बा है, ये दुम्बा है, दुम्बा इसकी इतनी मोटी है, ये सारी लेयर देखें कटा हुआ है, और इसी फैट का मज़ा है, मटन में फैट नहीं होता, तो शनवारी जो है वो फैट, ये देखिए सब चर्बी ऊपर, अंदर गोश्त है, ये सब चर्बी है फैट। आप वो नमक वाला गोश्त कौन सा बता रहे थे? नमक वाला भी आपको बता दें, ये अभी ये जो है ये नमक पे ये तैयार हो रहा है, ये एक प्लेटर लग रहा है, देखें कोई स्पाइस देख लें, कुछ भी नहीं है इसमें। इस डिश को क्या बोलते हैं? ये शनवारी लैम टिक्का है और शनवारी चिकन टिक्का है, तो ये सॉल्ट पे खाली तैयार होता है। फिर आए आपको एक दम पुख भी दिखाते हैं, इसको हटा दो यहाँ से, ये जी ये चार घंटे बनता है लैम शैंक्स, इसमें शैंक्स भी होती हैं, नेक भी होता है, ठीक है। ये आप ये देखें वाइट कलर का, और ये बिल्कुल ऐसे इसको यूं करेंगे और ये बिल्कुल इतना टेंडर होता है, इतना सॉफ्ट होता है ये, जब हम कस्टमर को देते हैं दम पुख, वो कहता है जी मुझे 250 ग्राम चाहिए 500 ग्राम, तो 250 में जो है आपको बताते हैं कि क्या क्या जाता है। सूप, दो आलू जाएंगे इसमें, ग्रीन चिली और सूप, जो इसकी जो मज़ा है ना वो इसके सूप का, यखनी जो है, ये अभी यखनी देखें, ये स्टॉक है मीट का, ये मीट का स्टॉक है, ये हम राइस के साथ और ब्रेड के साथ ऑप्शन है, दोनों में से किसी से भी खाना हो तो लोग ज़्यादातर चावल के साथ खाते हैं, पलाव के साथ, तो इसको कहते हैं दम पुख्त रोश, दम पुख्त रोश, ये तकरीबन चार घंटे पकता है लो स्टीम पे। दम पुख्त बोला तो स्टीम, हाँ, मैं अपने मीट को या चावल किसी को भी पकाना तो उसको दम पुख्त स्टाइल ऑफ कुकिंग बोलते हैं, और जो दम पुख्त स्टाइल ऑफ कुकिंग है वो आया उसी रीजन से, फ्रंटियर रीजन से ही। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, टमाटर के छिलके निकाल दिए हमने और सिर्फ इसका गूदे की अभी ग्रेवी तैयार होगी, ये देखें ये ऐसे टमाटर के छिलके, ये है इसको थोड़ी और स्टीम देंगे ताकि बिल्कुल छिलका एकदम निकल जाए और पक जाए। फ्रेश गोश्त है, काटा डाला 45 में, और इसका जो जायका होगा वो फिर आप बताएंगे क्या जायका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है, इसलिए बड़ा ये यूनिक सारे सब्जा मिलता है, वो तो हमने अरबिक देखा है, तो पाकिस्तानी है, तो सरप्राइजिंगली ये क्या है, ये देते हैं जैसे आपने काटना हो राउंड काटना का रेट या लॉन्ग काटना का रेट, दे गिव यू अ नाइफ एंड दे हैव टमाटोज, दे हैव क्यूकम्बर, ये आपका सॉल्ट एंड पेपर होता है, नींबू काट के डालिए जैसे आपको चाहिए, दीज आर वेरी यूनिक थिंग्स। ये है आपका हरी मिर्च की चटनी है और इसमें विनेगर डाला हुआ है, बहुत खट्टी सी है और मिर्चा भी है, तो खट्टा इसी को खट्टा थोड़ा मिर्ची को मारेगा, बट बहुत ही यूनिक है। और ये जो है
इसमें ये ऑलरेडी भिगो के रखते हैं, तो गाजर और कुकम्बर और ये लाल मिर्च का विनेगर है, वेरी पंजन, बहुत बड़े पंजन है, बट खाने का मतलब अलग से ही मिर्चा भी नहीं है और ये नहीं है स्वाद है। और ये हमारा अफगानी नान, ये है बड़ा मशहूर अफगानी नान, ओके एंड ऑब्वियसली इसके साथ ओपन दैट, ये है जी शनवारी लैम्प चॉप्स, सबसे मशहूर, वन ऑफ द बेस्ट इन द टाउन। ये जो है दुम्बा से बनता है, दुम्बा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बैक फैट टेल एंड रम शी, इसका यू नो द बट इज वेरी हैवी ऑन फैट, और ये सिर्फ नमक मैरिनेट होता है। और ये कौन सा डिश है? ये है लड़लड़ी कराई। लड़लड़ी ये क्या है? इसमें ये बनती सिर्फ ऑलिव ऑयल, हरी मिर्च और प्याज में, ऑलिव ऑयल डालते हैं, ऑलिव ऑयल में, ये ऑलिव ऑयल में बनती है स्पेसिफिकली, और इसका अपना फैट जो है ना, अगर आप हल्के से ग्रेवी देखेंगे वो ऑलिव ऑयल और फैट मिक्स है। अच्छा, मेरी भाषा में तबाही। द टेस्ट इज वेरी यूनिक। आपने कभी ऐसा मटन नहीं खाया होगा कि हम बैठी हुई ओनली दिस जी, आप निकालिए। नली साहब नली छोड़ दिया ऐसे, इतना पकाया है नहीं, नली के अंदर वो है ना उसका गुदा तो है ही, वो मारो तो ज़बरदस्त है। ये आप थोड़ा सा इसका ट्राई कीजिए, इसमें मिला के वेरी यूनिक टेस्ट, स्पाइसी और खट्टा, वेरी वेरी खट्टा। वाह, इसे शुरू करते हैं और कितना सही चमक रहा है। मतलब जो इसमें फ्लेवर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट के ही हैं, मतलब कोई मसालों का इसमें प्रयोग नहीं किया गया, सिर्फ नमक लगा के इसको ग्रिल किया गया, तो एक्चुअल मीट का फ्लेवर्स होता है वो इसमें इंटैक्ट है और जूसी भी है, और नमक भी जो ये है सी सॉल्ट है। अच्छा, अरे नान खाते हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा एक छोटा सा पीस के खाली पीस, ये है मीट बिल्कुल सॉफ्ट मेल्ट, इट विल मेल्ट। वाह, ये ऑलिव ऑयल है और इसका फैट है, इसका बहुत ही उम्दा। यू कैन जस्ट ईट दिस हाफ केजी, इट इज सो, इट्स नॉट हैवी एट ऑल, बहुत शानदार है। अनुभव जी रोटी भूल गए आप? ये काली मिर्च का फ्लेवर है इसमें, और काली मिर्च दोनों का, अरे वाह, दिस आउट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप रोटी साथ चाहिए, रोटी के साथ खाएं, ये रोटी रहने दे, रोटी आप शर्मा की साथ खा सकते हैं। देखा जाए तो जो फ्रंटियर रीजन का पूरा खाना है वो काफ़ी रोबस्ट है और रस्टिक है, मतलब वहाँ पे जो फ्लेवर्स हैं वो मेनली जो डिश पका रहे हैं, चाहे कोई भी गोश्त पका रहे हो उस पे ध्यान देते हैं, ना कि मसालों पे। और दूसरा पता क्या है, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लोग इतना गोश्त क्यों खा लेते हैं, बिकॉज ऑफ द वेदर एंड दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड फिर वहाँ का पानी, जैसे बताया वहाँ पानी ऐसे कि डाइजेस्ट हो जाता है। पसंद आया मोना जी को? है ना, इतना बटरी है, मुझे मीट में थोड़ी सी मतलब अच्छे से मुशक्कत वाला मतलब नहीं है, थोड़ा सा ये गर्म है, हाँ हाँ। अफगानी नान जो बनाते हैं नान भाई, है नान भाई बोलते हैं ना जो नान बनाते हैं, और बिल्कुल कड़क, ऊपर में खूब सारा सफ़ेद तिल, नली खाया, वाओ, मलाई सेकंड के लिए भी आपको इंतजार कर रही है। चलिए आप बोलते हैं तो जरूर खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत शानदार बना हुआ है और हरी मिर्च का बहुत ही सटल फ्लेवर है, हल्का सा काली मिर्च है। NWFP हम लोग जो बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ से बहुत कुछ मतलब खाने का जो कल्चर है वो हमारे इंडियन खाने में भी काफ़ी देखने को मिलता है उसका झलक, जैसे तंदूर का इस्तेमाल करना। कहते हैं कि इंडिया में जो तंदूर है वो NWFP रीजन से ही आया और मेनली जो लोग वहाँ उस रीजन में रहते थे वो नोमैड्स हैं, तो नोमैडिक कम्युनिटी साथ साथ ट्रैवल करते थे, तो साथ में अपना इनके साथ बकरा भी हुआ, जो कैटल है वो साथ ले जाते थे, उसके बाद उसका जो प्रोडक्ट्स हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ वो भी इस्तेमाल किया, साथ में उसके गोश्त को भी खाते थे। तो गोश्त को पकाने के लिए तंदूर आया, या फिर कोई मसाले वसाले तो होते नहीं थे तो अपना हल्का सा नमक लगाया और कहीं भी इसको बारबेक्यू कर लिया। और जो मीट पकता था वो अपने ही उसके फैट में पकता था, तो वैसा रहा और वही यहाँ के खाने में आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल रोबस्ट खाना है और जैसा सर ने कहा कि वहाँ के लोग मेहनती होते हैं तो इसलिए वो ये खाना पचा भी आराम से लेते हैं, और मतलब सही मायने में रोबस्ट और रस्टिक जो फ्लेवर्स हैं वो हैं। मतलब गोश्त में आपको जो गोश्त है उसका फ्लेवर्स आपको मिलेगा, और साथ में थोड़ा बहुत जो एड ऑन होता है या तो नमक हुआ तो सिर्फ हल्का नमकीन लगेगा आपको, या फिर जैसे ये मैं लाड़ा लड़ी खाया, इसमें हरी मिर्च और काली मिर्च का फ्लेवर और दोनों ही बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड। ऐसा नहीं है कि काली मिर्च ज़्यादा लग रहा है, हरी मिर्च कम लग रहा है, हरी मिर्च ज़्यादा लग रहा है और लाल काली मिर्च कम लग रहा है, तो दोनों का बिल्कुल बैलेंस्ड फ्लेवर्स है। और मीट बिल्कुल सॉफ्ट और ऐसा ऐसा मक्खन होता है ना, मक्खन वैसा मक्खन का एहसास हो रहा है इसे खा के, है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, चलिए आइए शिनवाई देखते हैं। ये जी 45 मिनट्स हो गए हमारे पूरे और ये तेल भी छोड़ दिया इसने अपना, जब ऑयल आ जाए तो इसका मतलब ग्रेवी तैयार हो गई है। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ टमाटर है। ये सिर्फ टमाटर, इसमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा आपको, ये सिर्फ टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिली, वो लाल लाली बहुत स्वादिष्ट है, मज़े की थी। हाँ वो अनियन में तैयार होती है और अब ये कस्टमर की डिमांड है स्पाइसी, तो स्पाइसी में हम ये दो कटी हुई मिर्चें। इसका सही नाम क्या है? लड़ा लई। तो बहुत ही उम्दा है ये भी बड़ी क्लास की चीज़ है, इसका अलग कस्टमर है उसका। फिर एक हम तैयार करते हैं सिर्फ चर्बी में, वो प्योर शनवारी होती है, उसमें ना टमाटर डलता है ना प्याज, वो सिर्फ नमक और चर्बी में ये तैयार हो गई। रेडी टू ईट। ये देखें ये फुल गल गया ना ये, और कढ़ाई पे ही गला है ये कढ़ाई, ये इसकी स्पेशल चीज़ है। लेके आओ जरा, तो ये कढ़ाई मोटी रहती है? हाँ मोटी, ये पकड़ता नहीं है। आग पकड़ती। मतलब देखे ये देखे नियत खराब हो गया। कौन सा नान है? ये फ्रेश प्लेन नान, ये प्लेन नान फ्रेश। हाँ हाँ बिल्कुल पतला बनाया मैंने। क्या खुशबू आ रही है, जो एक लेवन ब्रेड की खुशबू होती है, जो ईस्ट डालने के बाद जो खुशबू आती है, सेम है। आइए पहले तो ये गोश्त खाते हैं। ये जो शिनवारी है ये हमने बनते हुए देखा किचन में, जो अकील साहब हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से इसको दिखाया कैसे बनाया जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो बनाने का तरीका है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया है तो वो टमाटर है और हरी मिर्च है, और हरी मिर्च में इनफैक्ट वो कह रहे थे कि इसको तीखा चाहिए, वही ऐड करते हैं। आइए जायका लिया जाए। कहानी ख़त्म है, तबाही, जायके की तबाही है, है? अच्छे सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। क्या थर्ड नली फॉर द डे,
बोन मैरो गायब बहुत ही उम्दा है, मतलब सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च के साथ गोश्त को पकाया गया, देख के लग रहा होगा कि इसमें मसाले हैं लेकिन कुछ नहीं है इसमें। जो फ्लेवर है दोबारा से वो मीट का ही है और हरी मिर्च और टमाटर। मुझे जब वो पका रहे थे ना मुझे पता कैसे पकेगा, क्योंकि टमाटर आपने पैर डाल दिया तो मीट गलेगा नहीं, है ना। हम लोग जब घरों में पकाते हैं या मैंने देखा है कहीं जगह मनते हुए टमाटर बिल्कुल लास्ट में डाला जाता है, क्योंकि खट्टापन से मीट नहीं गलता, नहीं पकता। लेकिन ये जो टेक्निक है पता नहीं किस तरह से उन्होंने पकाई, वो भी कढ़ाई में पकाया, वही से 45 मिनट में गोश्त पक के तैयार हो गया। हो सकता है बट बिल्कुल सॉफ्ट है, वेरी वेरी सॉफ्ट। थोड़ी ग्रेवी दीजिए ना, सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी गोश्त नहीं। वाह वाह, ये लिया नान, इसमें लिया गोश्त और मतलब ये खा के रुकने का मन नहीं कर रहा है। बड़ा देखिए दोनों में बहुत अलग अलग फ्लेवर, दोनों में अलग अलग फ्लेवर है, मतलब उसका एक यूनिक फ्लेवर है, इसका भी एक यूनिक फ्लेवर है। ये ऑलिव ऑयल में, ये पाम ऑयल में, इसमें टमाटर हरी मिर्च है, इसमें काली मिर्च प्याज है, प्याज है और उसके बाद आपका हरी मिर्च है, तो फ्लेवर्स में फ़र्क है। मुझे हाँ गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, मुझे 1920 अच्छा हो रहा है तो आप कहें तो ये 20 होगा, ये 19 होगा, माइनस द सेम रेट। अरे सर थैंक यू, यू वेलकम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खाना बहुत ही अच्छा था। हाँ कभी आप दिल्ली आइए तो मुलाकात होगी, जरूर जरूर। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू। इंडिया में दुकानें होती हैं जिसको जहाँ रोटियाँ मिलती हैं, हम लोग बोलते हैं नान भाई, नान भाई होते हैं, तंदूरवान तंदूरवान, वैसे ही वहाँ भी है, जैसे तंदूर बोलते हैं, नान भाई बोलते हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी बोलते हैं। हम यहाँ पे आज बिहारी बोटी ट्राई कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट बिहार से ही इसका ताल्लुक है। दिस इज अ वेरी स्पेशल डिश फ्रॉम अफगानिस्तान, सो ये अब नॉर्मल देखेंगे सीख होते हैं, टिक्के होते हैं, इसमें फैट में मिलते हैं अपने मसाले होते हैं, एंड दिस आर राउंड गोल कबाब, और वो है बंजुम बैगन का मिलता है। बिरयानी सर्व करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है, दो थाल है, एक बड़ी एक छोटी, छोटी थाल में बिरयानी है, उसको आप बड़ी थाल में डालते हैं, उसका मिला के खाते हैं, और हमने मंगवाया है चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी।